नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई कारोबार या बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको पांच तरह के ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आप इसको खुद का अपना एक ब्रांड बना सकते हैं और एक बड़ी ऊंचाइयों पर दोस्तों इस बिजनेस को ले जा सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं दावा करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी और जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ ये बिजनेस आइडिया आज तक शायद आपको किसी ने YouTube पर या कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिले होंगे। ये बिजनेस दोस्तों मैं खुद पर्सनली आपको बताता हूँ, मैं खुद करना चाहता था लेकिन आप देख पा रहे हैं कि मैं खुद का एक बिजनेस रन कर रहा हूँ पहले से, इसीलिए दोस्तों ये जो बिजनेस है मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो पांच तरह के ये बिजनेस हैं, बहुत ही छोटे और कम लागत से आप इनको शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जिनको आप घर बैठे भी मतलब चला सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो फील्ड लेवल पर मतलब मार्केट लेवल पर उतर कर भी इन बिजनेस पर काम कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी वीडियो से जुड़ा सवाल या कमेंट है तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इन पांच तरह के बिजनेस मॉडल्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई अपने छतों पर बहुत सारे गमले लगाता है, पेड़ पौधे उगाता है। आपने भी उगा रखे होंगे गमले, आपके घर पर भी छत पर रखे होंगे या आप भी अपने छत पर खेती करते होंगे छोटी सी जगह में। ऐसी जो ट्रेंड है ये जो आजकल लोग हैं सभी लोगों ने अपने घर पर बहुत सारी फुलवाड़ी लगाते हैं जिनके अंदर डालने के लिए देखिए हमें खाद की ज़रूरत तो पड़ती ही है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, हमारा हड्डी का जो खाद आता है जिसको हम बोन मील बोलते हैं, या नीम की खली, सरसों की खली, इस तरह के जो हमारे ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर से जुड़े जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो मैन्योर होते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लेकिन इनको लेने के लिए आपको किसी खाद बीज की दुकान पर जाना पड़ता है और वहाँ पर दोस्तों आप देखते होंगे कि वहाँ बड़े बड़े कट्टे होते हैं जिनमें से आपको ये लेकर आने पड़ते हैं जिनके लिए दोस्तों तो आपको मार्केट में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस तरह के एक एक किलो वाली जो हमारी इस तरह की ट्रांसपेरेंट वाली पिन्नियाँ आती हैं, जो पैकिंग मटेरियल आता है, आप इसको एक तरीके से बिजनेस के रूप में भी शुरू कर सकते हैं। देखिए तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको इस तरह की जो पैकिंग आती है हमारी एक एक किलो वाली, इस तरह की पैकिंग आपको किलो के भाव से मार्केट में मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो आपको इसमें लगने वाली है वो है सीलिंग मशीन। देखिए इस तरह की जो सीलिंग मशीन आती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस तरह की एक सीलिंग मशीन लेनी है। और आपको जिस तरह के जैसे मार्केट में खाद आते हैं, जैसे कि हमारा यूरिया खाद हो गया, DAP खाद हो गया, हड्डी का खाद हो गया जिसको बोन मील बोलते हैं, सींग का खाद, और दोस्तों साथ ही साथ और भी तरह के जैसे सरसों की खली या हमारी नीम की खली, इस तरह के कट्टे दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाते हैं। यहाँ तक कि वर्मी कंपोस्ट, जैसे कि हमारे केंचुओं वाली खाद आती है, इस तरह के आपको कट्टे ले लेने हैं। 50-50 किलो के कट्टे आते हैं। आप चाहें तो दोस्तों कम मात्रा से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये कट्टे ले लेने हैं, उसके बाद अपनी एक एक किलो की जो पैकिंग है ये तैयार कर लेनी है। इस तरह की पिन्नी में आपको ये पैकिंग करनी है दोस्तों, कोई भी ब्रांडिंग आपको अभी नहीं करनी है शुरू में। और इनके ऊपर दोस्तों स्टिकर आपको लगाने हैं, जैसे अगर बोन मील आप इसके अंदर डाल रहे हैं तो आपको बोन मील का एक फ़ोटो स्टिकर निकलवा लेना है और बोन मील यहाँ पर छाप देनी है। आप इसके अंदर सरसों की खली भर रहे हैं तो सरसों की खली का स्टिकर लगा देना है और हिंदी में यहाँ पर बड़ा बड़ा सरसों की खली लिख देना है। तो इस तरह की पैकिंग करके दोस्तों आप इनको डायरेक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन कहाँ पर आपको इनको सेल करना है, जैसे कि आपकी आसपास में जो नर्सरी होती हैं, जो आपके जहाँ पर पेड़ पौधे मिलते हैं नर्सरी पर आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जहाँ पर आपके फ्लावर पॉट मिलते हैं, गमलों की दुकानें होती हैं जहाँ पर, आप इनको वहाँ पर सेल करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आसपास की जो हमारी खादों की जो दुकानें होती हैं, जो रिटेल शॉप होती हैं, जैसे कि मेरी दुकान है, इस तरह की दुकानों पर भी आप जाकर दोस्तों इनको होलसेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आप चाहें तो इसको अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पर और जगह जगह अपने जो प्रोडक्ट आप जो तैयार करेंगे इसको आप पब्लिश कर सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्तों इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठ के भी दोस्तों इस काम को शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो मार्केट में उतर कर मतलब नर्सरी और आप चाहें तो खुद से भी जाकर इसको डोर टू डोर मतलब आप मार्केट में जाकर इसको सेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला बिज़नेस मॉडल और आने वाले समय में अगर आप चाहें तो धीरे धीरे करके इसको ग्रो भी कर सकते हैं और अपना खुद का एक ब्रांड भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में। अगर आप नहीं चाहते कुछ भी ऐसा कुछ पैक करना, इस तरह की झंझट अगर आप नहीं करना चाहते या आपके पास वो सोर्सेज नहीं है जिससे आप दोस्तों ये बिजनेस को कर सकें, तो आप इस तरीके का दूसरा बिजनेस मैं आपको बताता हूं जिसमें आपको डायरेक्ट माल लेना है और डायरेक्ट दोस्तों सेल करना है। देखिए माल आपको कहां से लेना है, माल लेना है इंडिया मार्ट से। देखिए बहुत ही बड़ी हमारी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से हमें दोस्तों बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऐसे मिल जाते हैं जहां से
आप दोस्तों होलसेल में मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेटों में माल ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है यहाँ पर बल्क में ही माल मिलेगा, आप 10 पीस 20 पीस 50 पीस तक ले सकते हैं और इनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। दूसरे बिजनेस में क्या आपको करना है दोस्तों, दूसरे बिजनेस में भी आपको गार्डनिंग से ही रिलेटेड जुड़ा काम करना है, जिसमें आप देखते होंगे मार्केट में कुछ इस तरह के दोस्तों आपको टूल मिल जाते हैं जो होते हैं गार्डनिंग टूल, गार्डनिंग टूल के नाम से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें गार्डनिंग में आती हैं, जैसे कि हमारे गार्डनिंग टूल हो गए दोस्तों, बहुत सारे हमारे जैसे गार्डनिंग ग्लव्स होते हैं, या स्प्रे बोतल होती हैं, पानी वाले हजारे होते हैं, और या हमारी जैसे कि वो सीडलिंग हमारी ट्रे होती हैं, और इस तरह के बहुत सारे हमारे फ्लावर पॉट हमारे गार्डनिंग के उसमें मिल जाते हैं, और इस तरह की जो हमारी स्प्रे गन होती हैं ये हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गार्डनिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो इन सभी चीज़ों को आप इंडिया मार्ट से बल्क में ख़रीद सकते हैं। इंडिया मार्ट से ख़रीदने के बाद में दोस्तों आप इनको डायरेक्ट अगर चाहें तो आप अमेज़ोन पर इनको अपना अकाउंट बनाइए। अमेज़ोन पर अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप अपना एक अकाउंट बनाइए और इनको अमेज़ोन पर दोस्तों इनको सेल कीजिए। अपने प्रोडक्ट दोस्तों आपको इंडिया मार्ट से उठाने हैं और साथ ही साथ अमेज़ोन पर सेल करने हैं, और अगर आप चाहें तो बल्क में इनको उठा सकते हैं इंडिया मार्ट से। और आसपास की जो अपनी शॉप होती हैं जैसे नर्सरियाँ वगैरह होती हैं या हमारी गमलों की दुकान होती हैं, वहाँ पर जाकर दोस्तों इनको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप गार्डनिंग को बड़े अच्छे लेवल पर एक ले आ सकते हैं और अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर चला सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आप चाहें तो ये काम पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं। तो ये था दूसरा बिजनेस दोस्तों। आपको कैसा लगा, कोई इसका सवाल हो इससे जुड़ा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब बात करें अगर हम तीसरे बिजनेस के बारे में, देखिए तीसरे बिजनेस में जो है आपको अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है या खाली जगह आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसके अंदर दोस्तों हमारा जो कर सकते हैं केंचुआ खाद का। देखिए आज के समय में केंचुआ खाद की इतनी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि आज के समय में दोस्तों क्या हो गया है, हमारे खेतों के अंदर भी किसान भाई ने इतनी ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल किया है, इतनी ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो हमारी ज़मीन है वो धीरे धीरे करके बंजर होती जा रही है। इनकी जो फसल है दोस्तों ना तो अच्छी पैदावार दे पा रही है और साथ ही साथ फसलों में बहुत सारी बीमारियाँ लग जा रही हैं। तो इन सबका जो मेन कारण रहता है वो रहता है मिट्टी में दोस्तों, मिट्टी का अच्छा ना होना। तो मिट्टी को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी जैविक खाद और दोस्तों वर्मी कंपोस्ट आपको मिट्टी में डालना होगा, जिससे आपकी जो मिट्टी की जो जमीन की जो हेल्थ है उसमें धीरे से फिर से सुधार आए। तो आज के समय में वर्मी कंपोस्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड दोस्तों बन रही है, आज के समय में हर कोई वर्मी कंपोस्ट के बारे में ज़रूर जानता होगा, जिसको केंचुआ खाद बोलते हैं। आप चाहें अगर आपके पास छोटी सी जगह पड़ी हुई है, 1 से 2 बीघे भी अगर आपके पास जगह पड़ी हुई है, तो आप वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए आप वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है इसके बारे में बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हैं, जाहिर सी बात है गोबर इसमें आपको लगता है और साथ ही साथ केंचुआ आपके इसमें लगते हैं। देखिए केंचुए जो होते हैं वो आपको दिल्ली पंतनगर यूनिवर्सिटी से आप चाहें तो वहाँ से भी ला सकते हैं, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से आप केंचुआ खरीद सकते हैं। और दूसरी रही बात गोबर की, तो आपके आसपास जो गौशाला होती हैं, जो डेयरियाँ होती हैं, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ का जो गोबर है वो आप ला कर अपने पास स्टोर करके अपनी जो केंचुआ खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, उसको बना सकते हैं। और इस तरह के दोस्तों छोटे छोटे 1-1 किलो के पैकेट्स में, देखिए इस तरह की जो प्रिंटिंग है आप देख पा रहे हैं, ये रेडीमेड प्रिंटिंग आपको मिल जाती है किलो के भाव से, मार्केट में आपको मिल जाएगी, दिल्ली आपको मिल जाएगी, इंदिरा मार्केट है दिल्ली में एक, वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी ऐसी शॉप हैं जहाँ पर इस तरह की जो प्रिंटिंग वाली आपको पैकिंग है रेडीमेड वो आपको मिल जाती हैं। फीलिंग मशीन आपको लगेगी इसके अंदर, ऐसी प्रिंटिंग वाली लगेगी और थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी मेहनत आपकी दोस्तों इसमें लगने वाली है। इस तरह के 1-1 किलो के आप पैकेट बना सकते हैं, 5 किलो का पैकेट भी दोस्तों आप बना सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये 5 किलो का पैकेट है जैविक खाद का और ये है 1 किलो का पैकेट। मैं खुद दोस्तों लेता हूँ, एक भैया आते हैं वो इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट बनाना है, इस तरह की पैकिंग लानी है, सीलिंग मशीन लानी है जो इसको सील कर देती है, बस इतना आपको काम करना है। इसमें ना तो किसी प्रकार का आपका लाइसेंस लगने वाला है और ना ही किसी प्रकार का दोस्तों कोई अथॉरिटी इसमें लगने वाली है। तो बड़े सिंपल तरीके से आप इसको शुरू कर सकते हैं, ना GST आपको इसमें देनी पड़ती है। आप इस तरह का जो बिज़नेस है इसको आप कहाँ कहाँ रन कर सकते हैं, रन करने की अगर हम बात करें तो आप इसको ऑनलाइन भी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, अमेज़ोन पर भी या फ्लिपकार्ट पर अपना अकाउंट बनाकर इनको पोस्ट कर सकते हैं अपने जो प्रोडक्ट हैं। और साथ ही साथ ऑफलाइन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन तो दोस्तों आपको हर जगह जहां पर भी आप इसको रिटेल शॉप, जो हमारे खाने पीने की जो दुकानें होती हैं वहां पर रख सकते हैं, खाद की जो दुकानें होती हैं वहां पर रख सकते हैं, नर्सरियों पर रख सकते हैं दोस्तों, नर्सरी वाले भी इनको बड़े अच्छी मात्रा में आपसे लेंगे। और साथ ही साथ आप चाहें तो इनको खुद भी जाकर मार्केट में दोस्तों सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा बिज़नेस मॉडल। तो दोस्तों ये बिज़नेस मॉडल कैसा लगा, इसके बारे में अगर कोई और जानकारी अगर डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अब बात करें अगर चौथे बिज़नेस मॉडल के बारे में, देखिए चौथे बिज़नेस मॉडल में देखिए आज के समय में हर कोई अपने घर पर छोटी मोटी खेती ज़रूर करना चाहता है, अपने घर पर पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक रखता है, सब्जियाँ उगाने का शौक रखता है, भले ही छोटी सी जगह हो जैसे बगीचा है हमारा, उस बगीचे में सब्जियों के या फूलों
के पेड़ पौधे हर कोई उगाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो बीज होते हैं दोस्तों वो कोई आपको बड़ी मात्रा में तो आपको लेने नहीं है, तो छोटी मात्रा में आपको बीजों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, इस तरह के किचन गार्डन सीड्स के पैकेट्स आते हैं, ये छोटे पैकेट्स आते हैं, इसमें मात्र 10 से 15 दाने होंगे। इस तरह के जो पैकेट होते हैं दोस्तों, इनको बनाने की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो मुश्किल से मुश्किल आपका 2 से 3 रुपये में, 2 से 3 रुपये में बड़े आराम से ये तैयार हो जाता है। और 2 से 3 रुपये तैयार होने के बाद में दोस्तों मार्केट में कम 20 रुपये का बड़े आराम से बिकता है। ये इस तरह का जो मिनी किचन गार्डन सीड्स होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह के जो पैकेट्स हैं इनकी जो डिमांड है आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको इनको कहाँ पर सेल करना है, अगर मैं सेल करने की बात करूँ दोस्तों, तो आपको सेल करना है या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों जगह की मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले इनको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरह की जो आप पैकिंग देख रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया है, इस तरह की पैकिंग आपको ले लेनी है और मटर का जो स्टिकर है वो आपको निकलवा लेना है। जैसे आप मटर का बीज पैक करेंगे तो मटर का स्टिकर, कोई भी सब्जी का बीज आप पैक करेंगे तो उसी का स्टिकर आपको निकलवा लेनी है। पैक करने की बात करूँ तो दोस्तों सीलिंग मशीन आपको लगेगी, इस तरह के छोटे पाउच आपको लगने वाले हैं, स्टिकर लगने वाला है, और इसके अंदर जो बीज है वो आपको कहाँ से लेना है, देखिए बल्क में दोस्तों आपको बीज कहाँ से लेना है। मैं बल्क की बात करूँ तो आप जा सकते हैं या तो दिल्ली के मार्केट, या आप मुझसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी खाद बीज की दुकानें होती हैं, जो बीजों की दुकानें होती हैं मार्केट में, अगर आप जाएंगे तो आपको बल्क में दोस्तों खुला हुआ बीज बड़े आराम से मिल जाएगा। वो सीजनल जो हमारी चीज़ें आती हैं इनका बीज बड़े आराम से दुकान में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उन बड़े पैकेट को खोल कर छोटे छोटे मतलब आपको पैकेट बनाने हैं, 10-10, 5-5 दाने आपको इसके अंदर रखने हैं, और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों दोस्तों दोनों जगह पर आप बड़े आराम से इनको सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करूं तो आप जैसे खाद बीज की दुकान है, जैसे मेरी एक सीड की और पैसेट की शॉप है, आप यहां पर दोस्तों इसको सेल कर सकते हैं होलसेल में। आसपास की जो नर्सरियां हैं आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आसपास जहां पर फ्लावर पॉट गमलों की दुकानें होती है वहां पर आप दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शहर में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इनकी डिमांड होती है, और ऑनलाइन तो दोस्तों बहुत ही अच्छी आप इनसे सेल निकाल सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग और मेहनत दोस्तों अगर आप कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा चौथा बिजनेस मॉडल दोस्तों। ये चौथे बिजनेस मॉडल आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप दिए गए नंबर पर हमसे सवाल जवाब, कोई भी आपको कुछ भी है इस बिजनेस से जुड़ा हुआ आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बात करें अगर हम पांचवें बिजनेस मॉडल के बारे में, देखिए अगर आप गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, थोड़ा गाँव का एरिया लगता है आपके आसपास में, तो आप दोस्तों स्प्रे जो मशीन होती हैं, जो स्प्रे मशीन हम खेतों में किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, जो कंधे पर टांगकर जो इस्तेमाल होती हैं, इन टंकी का दोस्तों आप बिज़नेस बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन ना केवल मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको इनका बिज़नेस करना है, इसके साथ में दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं स्प्रे मशीन से जुड़ी हुई, जैसे कि स्प्रे मशीन खरीद कर बेचने का, नई मशीनें बेचने का, इनको रिपेयर करने का आप टोटल सामान रख सकते हैं, रिपेयरिंग का आप अगर सारा काम दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे ख़राब हो जाते हैं जो आप अगर सही करते हो। मार्केट में इनकी जो दुकानें हैं बहुत ही ज़्यादा कम है जहां पर मशीन दोस्तों सही होती हैं, क्योंकि किसान भाइयों के पास मतलब जानकारी नहीं है तो वो दुकानों पर जाते हैं, तो बहुत ही कम दुकानें ऐसी हैं जहां पर ये जो मशीनें हैं ये रिपेयर होती हैं। देखिए 2-3 तरह के मॉडल आते हैं, पहला बैटरी वाला मॉडल आता है, हाथ वाला मॉडल आता है, और पेट्रोल वाला भी मॉडल आजकल मार्केट में आता है। तो 2-3 तरह की मशीनें आती हैं, अगर आप इनकी थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी दोस्तों जान लें तो आप इनको सही करने के लिए भी आप अपनी शॉप कर सकते हैं या दोस्तों एक सर्विस अपनी चला सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे मशीन की आप सर्विस दे सकते हैं, किराए पे भी आप इसको अपनी टंकी को दे सकते हैं। और चौथी दोस्तों इसके अंदर आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, आजकल ड्रोन से बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपने देखा होगा, ड्रोन से भी चाइना में स्प्रे हो रहे हैं, यही चीज़ अब इंडिया में भी आ रही है, आप ड्रोन से भी स्प्रे करवा सकते हैं और अपना एक ड्रोन लेकर अपने गाँव में अपने जहाँ भी खेत वगैरह हैं वहाँ पर अपनी सर्विस दे सकते हैं ड्रोन से स्प्रे करने के लिए। तो ये पांचवी दोस्तों जो मॉडल है इस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, इसके बारे में और जो जानकारी है वो मेरे चैनल पर जल्दी आगे चल के वीडियो में आएगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों आपका अगर कोई इससे जुड़ा हुआ सवाल है, इन बिज़नेस से जुड़े हुए कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपकी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।